हिमानी जी, वो बहुत छोटी बात है, वो बाद में आएंगे। मैं अभी दोनों जेडीयू और आरजेडी के प्रवक्ताओं का बयान सुन के बहुत लज्जित हुआ। उसका कारण यह है कि एक व्यक्ति होता है जेल याफ्ता, एक होता है सजा याफ्ता। ये सिर्फ जेल याफ्ता नहीं थे, ये सजा याफ्ता थे। इनको सजा हुई और ये सजा इन्होंने काटी है। तो जो जना सजा काटता है वो अपराधी हो गया, छूटने से उसका अपराध थोड़ी खत्म हो गया, वो तो सजा काटी है उसने। और एक अपराधी को जिसको सजा हुई और जिसने सजा जेल की काटी, उसको आप अपना नेतृत्व स्वीकार रहे हो, तो ये राजनीतिक चाल चाल चिंतन चेहरा जो है, ये इनको मुबारक हो। ये इनके सुशासन का प्रतिबिंब है, ये नीतीश कुमार जी के सुशासन का अगर प्रतिबिंब है, और ये जंगल राज नहीं है तो पता नहीं कौन सा राज होगा। आज जो व्यक्ति जिसको सजा हुई और जिसने सजा काटी, ठीक है, वो इन्हीं की वजह से, ये इन्हीं की वजह से निकला, क्योंकि इन्होंने जानबूझ के उसका जो आपराधिक मामला है उसमें जिस तरह पैरवी करी, उससे उसको जो है न्यायिक प्रक्रिया के अंदर उनको बेल मिली। ठीक है सुधांशु जी, ये मैं बहुत लौटूंगी गंभीर आपके मामला पास। है। बिल्कुल, मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन जिस ओर एके वाजपेयी जी, सुधांशु मित्तल जी इशारा कर रहे थे, उस बिहार की जिसकी हालत पहले ही बहुत बहुत ज्यादा खराब है, अब शहाबुद्दीन के आने के बाद पब्लिक ऑर्डर हम किस तरीके से देखें, या किडनैपिंग और जंगल राज का ये मामला, ये क्या, ये जो कारोबार है, ये क्या और ज्यादा खुलेआम ये बढ़ नहीं जाएगा? सुधांशु देखिए, ये तो मित्तल जी कह रहे समझौता कभी नहीं ये करेंगे। कहावत होती है हिमानी जी, जिस निर्दयता से आज उनके बचाव में ये दोनों आ रहे हैं, मुझे तो आश्चर्य होता है। एक कहावत है कि सैया भये कोतवाल फिर डर काहे का, बिल्कुल सही कहा आपने, यहाँ पे बिल्कुल वही सही कहा आप। फितरत होता है। मैं बोल रहा बंजारा हूँ, में भी यही मैं हुआ बीच में था। नहीं बोलता, बिल्कुल थोड़ा मित्र साहब, सही थोड़ा कह रहे हैं थोड़ा आप, सा सभ्यता दिखाए, बिल्कुल थोड़ा सही कह रहे हैं सभ्यता दिखाए। मैं कभी बीच में नहीं बोलता, मैं बीच में नहीं बोलता, मुझे मेरी बात रखने दें। आज बोलिए। आज क्योंकि वहां पे पूरा प्रशासन उनको बचाने में, उनको मदद करने में लगा हुआ, और मजबूरी, एक कहावत होती है कि जो आप बोएंगे वही आप काटेंगे। नीतीश कुमार जी ने सुन लिया, इनको इन जैसे लोगों की मदद करने इसका नतीजा क्या निकला कि आज ही सबसे पहले का, ये तो परिस्थिति के मुख्यमंत्री हैं, ये थोड़ी है मुख्यमंत्री है। मेरे तो नेता लालू प्रसाद है, लेकिन मैं झंझट में नहीं पड़ना चाहता। मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि नैतिकता, शुचिता और राजनीति में एक आदर्श का दावा ठोकने वाले नीतीश कुमार जी कैसे एक अपराधी के साथ अपना संबंध स्वीकार सकते हैं? कैसे वो कह सकते हैं कि जेडीयू जो है आरजेडी के साथ ऐसे अपराधी को जो है राजनीति में चलने देगी? जो सजा याफ्ता है, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि वो सिर्फ जेल याफ्ता नहीं है, उनको जो है जमानत मिलना तो एक पक्ष है, उन्होंने इस दौरान 12 साल के दौरान उन्होंने सजा काटी है। और जो अपराधी सजा काटता है उसके बाद आप राजनीति में उसको महिमा मंडित करें, इससे ज्यादा कोई राजनीतिक में गिरावट हो सकती अफजल है? साहब, कोई जवाब दीजिए फटाफट और से कि आपको किस आपको नैतिकता इसकी की, इस नैतिकता के आधार पर तो आपने बीजेपी से गठबंधन तोड़ दिया था, तो यहाँ शहाबुद्दीन साहब जीत के अब निकल के आए, वो इतना मानिए शहाबुद्दीन कि साहब बात। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिल्कुल, क्योंकि भैया आप देखिए, आपका जो आप तहजीब आदर बोल रहे हैं भाव मैं तो देखिए। बोलूंगा। जी देखिए, जी जी कैरेक्टर अलग चीज है, उन्होंने क्या 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 नहीं किया। मैं क्योंकि बड़े हैं, हमसे बड़े हैं, हम इसलिए इज्जत करें, हम बतौर मैं खुद उनको जानता हूं, नजदीक से जानता हूं। शहाबुद्दीन साहब जेल में गए, जितने भी केस हुआ उठी के उसे सजा भुगत रहे हैं, भुगतेंगे वो, और जो भी हम भी गुनाहगार होंगे तब भुगतेंगे। लेकिन जो उनके मानने वाले चाहने वाले हैं, तो ये कहीं ना कहीं इंडिकेट तो करता है कि वो जनता में लोकप्रिय हैं। और ठीक है, वो चुनाव लड़े ना क्या लड़े, बात कर रहे इलेक्शन के हैं अफजल दौरान में साहब, आप लालू क्या बात यादव, कर रहे हैं? लालू जी नहीं लड़ पाए, लेकिन हिमानी जहां जी, से जहां किस चीज लाखों के की लिए संख्या लोकप्रिय में हत्या लोगों के ने लिए, देखे, तो ये हिमानी जी कानूनी दावा निर्लजता के देखिए, लिए आप ऐसे निर्लजता तमाम देखिए, मामले हैं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही मैं आपको लिस्ट कानूनी दावा गिनवाई थी से कि आप किस इतना चीज के लिए बताइए, पॉपुलर है, आप किस चीज के लिए, अपहरण के लिए, हत्या के लिए, तेजाब, अरे कैसी बात कर रहे हैं आप? या आप हजारों राजनीतिक हजारों शुचिता लोग देखिए उनके पीछे इनकी, घूम रहे। मैं सपोर्ट नहीं कर रहा उनको, शाहबुद्दीन तो साहब आप को, क्या कर रहे हैं लेकिन फिर अफजल लेकिन साहब? लेकिन आप जो उनके फॉलोअर है तो उसको आप रोक लीजिए। मैं तो कह रहा हूँ उनके फॉलोअर लोग हैं। आप जिसकी एक शाहबुद्दीन आप भी की बात जाइए आ ना रही नारे है, के लिए, उसमें इतना हाथवा बचा ये हुआ है। मजबूरी मैं, दिखा रही नहीं, है, ऐसे ये ऐसे मजबूरी, ये हिंदुस्तान में मजबूरी का सैकड़ों, गठबंधन है। ऐसे हिंदुस्तान में सैकड़ों ऐसे लोग हैं
जिनके पीछे जो क्रिमिनल के पीछे लोग हैं या बदमाश के पीछे लोग हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि एक पार्टिकुलर आदमी को बार बार तंग किया जाए और उसे आप ये कहकर पल्ला नहीं झाड़ सकते ना, या ये नहीं कह सकते कि अगर उसने ऐसा किया तो मैं भी ऐसे करूंगा। झाड़ रहा हूँ, उन्होंने आपराधिक मामले को स्वीकारेंगे, आपराधिक व्यक्ति को ये मानेंगे। बड़े तो किया नहीं गया है, अभी तो बेल पे है वो, अभी तो सजा काट चुके हैं, होटल तो हुआ नहीं है। जो भी अगर सजा काट चुके वाजपेयी साहब हो गया या कोई भी हो, नितिन तिवारी जी क्या परिवार के साथ हम लोग खड़े होंगे और उनको न्याय दिलवाने की पुरजोर कोशिश करेंगे। लेकिन लालू जी और शहाबुद्दीन की जोड़ी के बारे में मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि राम बनाई जोड़ी, एक अंधा एक कोड़ी। ऐसे आपराधिक व्यक्ति के साथ राजनीति में उसको संरक्षण देना, नेतृत्व देना, ठीक है, मुझे लगता है लालू जी आप ना केवल बिहार के साथ अन्याय कर रहे हैं, आप देश की पूरी राजनीति को शर्मसार कर रहे हैं। ठीक है, बेटा समय इतना ही है, लेकिन मैं यहाँ पर एक फाइनल कमेंट एके वाजपेयी जी आपसे भी और फिर मैं रामकृपाल जी से भी एक चाहूंगी फाइनल कमेंट एक लाइन में। ऐसा है कि बिहार की जनता के लिए बड़े दुख वाले दिन आने वाले हैं, नंबर वन, और नंबर टू कि हम अपोजिशन में जो वहां पर हैं हमारा काम बढ़ने वाला है, और तीसरी बात यह है कि बार बार लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर वहां रह ही नहीं गया है, ठीक है, डेली इंसिडेंट हो रहे हैं, क्राइम। रामकृपाल जी मजबूरी जो ना कराए, और ब्रेक से पहले जो मैं आपसे कह ही रही थी कि मतलब राजनीतिक और अपराध का ये जो गठजोड़ है ये हमारे रहते आपके रहते तो लगता नहीं है कि खत्म होगा। देखिए ये सिर्फ बिहार में नहीं बहुत जगह पे है सवाल इस बात का जो आज की घटना से है। देखना ये पड़ेगा कि नीतीश कुमार आगे की डगर उनके लिए कितनी आसान होगी, कितने समझौते वो वाकई कर सकते हैं एट द कॉस्ट ऑफ हिज ओन इमेज। ये बिहार की राजनीति। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का, मेरे पास समय सिर्फ इतना ही था, इसी के साथ फिलहाल हमें यहाँ पर रुकना होगा एक और ब्रेक के लिए।